यस्याहम् समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नम् कृष्णयस्तम् बभूवुः यस्याः पिदम् जिन्वति प्राणते यत्सानो भूमिः पूर्वपेदेः दधातु। अथर्ववेद के भूमि सूक्त के इस मंत्र में पृथ्वी को सभी प्राणियों का कारण और आश्रय बताया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक ग्रंथों में भी पृथ्वी को न केवल एक ग्रह बल्कि प्रकृति के चराचर जगत की जननी भी बताया गया है। हालांकि औद्योगिकरण पर आधारित वर्तमान युग में मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरंतर पृथ्वी का दोहन कर रहा है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और यहां तक कि हर दिन जलवायु परिवर्तन भी होता चला जा रहा है और इन सभी से प्राणी जगत विभिन्न बीमारियों और महामारियों से लगातार पीड़ित भी दिख रहा है। बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश, सूखा, शीतलहर, जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हम पहले से कहीं अधिक विनाश होता हुआ अनुभूत भी कर रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसे आधुनिक युग में सर्वप्रथम 1970 में मनाया गया था। तात्कालिक पर्यावरणीय दुस्थितियों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से अभिप्रेरित प्रकृति विज्ञानियों की प्रकृति या पृथ्वी के प्रति गंभीरता ही इसके मूल में निस्संदेह कही जा सकती है। जब हम ऋग्वेद से आरंभ करते हैं तो द्योह नः, पृथ्वी नः इत्यादि का प्रयोग आता है कि द्योह पिता है, पृथ्वी माता है, और ऐसे अनेक हमें प्रसंग मिलते हैं जहाँ सबसे पहले ये बताया जाता है कि पृथ्वी जीवित प्राणी है। अभी तो जो यूरोपीय मॉडल है उसमें मोर कंजम्पशन मोर डेवलपमेंट ये सूत्र है, लेकिन हमारा ठीक इसके विपरीत है। हमारा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, और ये जो मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन है इसी का नाम उन्होंने इकोलॉजी दिया, और ये इकोलॉजी बाद में डीप इकोलॉजी के रूप में आया, जो आर्नेनेस इसके प्रवर्तक हैं। और आर्नेनेस गीता उपनिषद और वेद के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने उपनिषद गीता को कोट करते हुए सारी बातें वहां रखी है। इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस का विषय ग्रह विरोधी प्लास्टिक है, अर्थात प्लास्टिक जैसी सिंथेटिक सामग्री का कम उपयोग कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करना इस वर्ष के पृथ्वी दिवस के समायोजन की सफलता कही जा सकती है। इन सभी के अतिरिक्त ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पृथ्वीगत पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षियों की भी उतनी ही भूमिका है जितनी मनुष्यों की। आज के समय इन पक्षियों पर हमारे जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और कई बार वो दिग्भ्रमित भी देखे गए, क्योंकि जो मई जून की गर्मी तक यहाँ रहेंगे वो पक्षी कब जा कर के अपने देश साइबेरिया और यूरेशिया के अन्य विभिन्न ठंडी जगहों पर जा कर के कब वो प्रजनन करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर अगले वर्ष सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर में जैसे भी वहाँ पे ठंडियाँ बढ़ेंगी उनको वापस गर्म क्षेत्रों में प्रवास के लिए आना होगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन ने इन पशु पक्षियों के मूल स्वभाव को भी बदलने का काम किया है। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को अपनी योजना अनुसार अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। वहीं भारत ने वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रशासन ने 6 अरब वृक्ष लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। आइए हम सब अपनी पृथ्वी को वर्तमान और पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग के साथ संतुलित व समृद्ध बनाएं, क्योंकि माता भूमि पुत्रोहम संततयः वा वयम् पृथिव्याः, अर्थात भूमि अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम इस पृथ्वी की संतान हैं। नारायण दत्त मिश्र, DD News।